तो ये ग्रेप जूस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पके हुए ग्रेप्स ले लिए हैं, 300 ग्राम्स है, और इसको अच्छे से मैंने धुल करके साफ़ कर लिया है। साफ़ करना ऐसे बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसे पकाने के लिए एथाइलीन जो पाउडर होता है उसका यूज़ करते हैं पकाने के लिए, और ये उसमें से निकल जाए इसके लिए बहुत ही अच्छे से इसको साफ़ कर लेना है। तो ये 300 ग्राम्स के अराउंड है, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर ये मिक्सर जार इस जूस को बनाने के लिए। ग्रेप्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, और इसके अंदर जो है विटामिन सी और विटामिन के भी होता है। विटामिन के हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसको हमने डाल दिया है, और अब इसमें हम डालेंगे पानी। एक ग्लास के आसपास मैंने पानी लिया है, तो थोड़ा सा इसमें पहले पानी डालेंगे, ज़्यादा एक साथ नहीं डालेंगे वरना ये अच्छे से पल्प नहीं बन पाएगा। और इसमें डालेंगे ये काला नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और अब इसमें डालेंगे शुगर। तो ये छोटी चम्मच है, तो मैं इससे 4 से 5 चम्मच डाल रही हूँ, बड़े चम्मच से ये 2-2.5 चम्मच ही होगा। अगर आपके अंगूर खट्टे हैं तो उसके हिसाब से थोड़ा सा और आप डाल सकते हैं, और यहाँ पर आप चीनी की जगह हनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अब हम मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये एक बार हमने इसको ग्राइंड कर दिया है, अभी ये काफ़ी गाढ़ा है और अच्छे से पल्प भी बन गया है, तो इसमें हम और पानी ऐड कर देते हैं थोड़ा सा, और इसको अच्छे से इसके साथ चला देते हैं ताकि मिक्स हो जाए। तो ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है, देख सकते हैं सारा जो इसका अंगूर का है वो पल्प सब अलग हो गया है जूस के साथ में। तो अब इसको हम स्ट्रेन कर लेते हैं ताकि हमें एक अच्छा सा जूस मिल जाए। ये सारा जो पल्प है ये देखिए एक बिल्कुल अलग हो गया है, और ये जूस हमें मिल गया है। तो अच्छे से मैंने इसको दबा दबा करके इसका जो सारा जूस है वो मैंने निकाल लिया है, और ये जो इसका पल्प है आप इसको फेंकिए नहीं, इसे एज अ फेस मास्क भी इसे यूज़ कर सकते हैं, पर इसमें आप तब नमक ना डालें, एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसमें ब्लैक सॉल्ट जो है वो आप डालें, या जो भी सफ़ेद नमक आपको डालना है इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद ही उसको डालें। तो ये जूस हमारा रेडी हो गया है, अब इसमें ये डालेंगे हम थोड़ा सा लेमन जूस, अगर ज़्यादा खट्टा है तो कम डालिए, और आप इसको जो है स्टोर करके मत रखिएगा वरना ये काला हो जाएगा। इसे फ्रेश बनाइए और फ्रेश ही पीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है, सर्व कर लेते हैं इसे एक ग्लास में। तो ये बिल्कुल पीने के लिए अब रेडी है। तो ये हमारा ग्रेप जूस रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे बनाएं और इन्जॉय कीजिए, और वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।